डे तो जितने लोग यहाँ पर है सबसे पहले मुझे बताइए की ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं इज माई ऑडियो वीडियो क्लियर टू एवरीवान एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे सब लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से सब कुछ एकदम परफेक्ट है ऑडियो वीडियो सब बिल्कुल क्लियर चलिए ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट सब एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो सेशन को लाइक like करके अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और साथ में इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो कि आप किसी भी ग्रुप वगैरह में एडेड हो सो जस्ट गो एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स सब क्लियर है परफेक्ट है चलिए वेरी गुड वॉइस कम तो नहीं आ रही होगी यार अब परफेक्ट परफेक्ट चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की बस जाकर आप भी इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मैं भी टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ आप में से किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है क्योंकि सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर ही मिलती हैं सारे पी नोटिफिकेशंस यू कैन इंटरेक्ट विद मी एज वेल ऑन टेलीग्राम ठीक है सो so ये नाम आपके सामने लिखा है आप सिंपली इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो नॉट क्लिक करके इसको सर्च करके ठीक है तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए all right good morning everyone चलिए आ चुके हैं काफी सारे लोग बाकी जो लोग अभी नहीं आए हैं उन तक सेशन को आप पहुंचा दीजिएगा है ना शेयर करके चलो भाई हम शुरुआत करते हैं सो ये मेरा था मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जिसको भी करना है ठीक है बाकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को गाइस ये पता होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट जॉब कोचिंग आपको पता है आप में से बहुत से लोग होंगे जो बिहार से बिलोंग करते होंगे और आपको डेफिनेटली बिहार के जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब से बिहार के वो आपको मतलब लग रहा होगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम आप इस कोचिंग को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि इस कोचिंग में आपकी बिहार गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है विद सुपर टीचर्स ऑफ बिहार क्या आप जानना चाहेंगे कौन कौन से टीचर्स इसमें आपको पढ़ाते हैं मतलब जो बी एस एस सी सी जी एल है दरोगा है सचिवालय में जॉब है एस SI आई है पुलिस कॉन्स्टेबल है और अदर बिहार गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी कोचिंग है कंप्लीट कोचिंग है इसमें आपको बिहार के सुपर टीचर्स पढ़ाएंगे और आपको इसमें मिलेंगे क्या वीडियो कोर्सेज मिलेंगे सुपर टीचर्स से मॉक टेस्ट मिलेंगे स्टडी नोट्स मिलेंगे और आपको डेली लाइफ क्लासेस भी मिलेंगी पंद्रह सौ से ज्यादा वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा ये है वो बिहार के सुपर टीचर्स जो आपकी कोचिंग इसमें लेने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो आप एक बार जाके एक्सप्लोर कर सकते हो टेक्सट बुक की वेबसाइट पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है वहां पर भी आप जाके एक बार इसको चेक कर सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक है आज का जो हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मतलब यू कैन यू कुड प्रिडिक्ट दिस टॉपिक आज का जो टॉपिक है हमारा मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इलेक्शन मुर्मू बन चुकी है इंडिया की पंद्रवी तो उसको में और यह चीजें आपके जो जनरल इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है और साथ साथ में एर डिडेक्शन हम करते हैं तो वो आपकी ग्रामर ग्र के लिए इंपॉर्टेंट है और हम उसको पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ के समझते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है 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 ठीक तो मतलब ऑल इन वन शो ये कुछ भी आपका इसमें मिस नहीं होगा ठीक है चलो अब जो हम करने वाले हैं पहला सवाल आपके सामने आज का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके वोकैबुलरी बेस्ड तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन आंसर देना शुरू कर दो एक वर्ड होता है इजी सा हिरास बताइए बताइए हिरास इज टर्म कौन देना चाहेगा यहाँ पे आंसर स्पेलिंग बताइए हिरास की सब लोग द स्पेलिंग ऑफ हिरास का मतलब होता क्या है किसी को प्रताड़ित करना ठीक है द स्पेलिंग ऑफ हिरास में क्या होता है लोगों को लगता है बहुत से लोगों को लगता है कि हिरास में आर डबल आर आता है और इनको बिल्कुल गलत लगता है द स्पेलिंग ऑफ हिरास इज एच ए आर ए एस 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 डबल आता है आर डबल नहीं आता है हेरास में ठीक है आर डबल नहीं आता है हिरास में याद रखिएगा चलो प्रताड़ित करना नेक्स्ट एक वर्ड है यहाँ पर मेंटेनेंस ये वही कॉमन वर्ड्स हैं जो है तो इजी लेकिन बस इसमें कौन सा लेटर आता है या फिर कौन सा लेटर डबल आता है इसमें कंफ्यूजन होती है सो जस्ट आ रिविजन बताइए फटाफट से अभिषेक बिल्कुल सही है मेंटेनेंस मेंटेनेंस का मतलब तो पता ही होगा चीजों को मेंटेन करना प्रिजर्व करना दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस और इसकी स्पेलिंग क्या होती है जरा बताइए सारे लोग मेंटेनेंस एम ए आई एन टी ई एन ए एन सी ई दिस इज मेंटेनेंस एम ए आई एन टी ई एन एन सीई ठीक है दिस इज मेंटेनेंस क्लियर हुआ सबको चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जरा देखिएगा आई डोंट नो वर्ड आंसर बताइए आप और एक बार सेशन के लाइक like बटन को क्लिक करके प्लीज मार्क योर अटेंडेंस अटेंडेंस भी तो मार्क कर दो लाइक like बटन पे क्लिक करके और फिर मुझे इसका आंसर दीजिए देखिए जरा कौन दे पाता है सी लिखनी स्पेलिंग सबको है और फोन को ऑटो तो करेक्ट प्लीज ऑफ रखना क्योंकि फोन को ऑटो तो करेक्ट अगर ऑन है तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है यहां पे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करने का ठीक है चलो सुप सीड एक टर्म होता है सुप सीड एस यू ई आर सुपर सीड एस यू पी ई आर ई इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को रिप्लेस करना जो इंसान पहले से पोजिशन पे है उसको रिप्लेस कर देने को हम सुपरसीड बोलते हैं स्पेलिंग स्पेलिंग आंसर ऑप्शन नंबर ये इसकी है, ई डी ई होता है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सब लोग है ना सुपरसीड कहते हैं चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है द नेक्स्ट वर्ड इज पूछा क्या गया है जरा जवाब देना सारे लोग कम कम ऑन ऑन कम ऑन यस अभिषेक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया है आपने सो so, दोस्तों एक वर्ड होता है हमारे पास दैट वर्ड इज कॉन वैलिस कॉन वैलिस कॉन वैलिस का मतलब पता है क्या होता है कोई इंसान अगर अपनी बीमारी से जो रिकवर उसका जो रिकवरी पीरियड होता है है ना बीमारी से बिल्कुल कमजोर डल हो चुका है फिर वो वापस अपने हेल्थी स्टेट में लौटे ये जो उसका रिकवरी पीरियड होता है इसी को हम कॉन बोलते हैं ठीक है और कॉन की स्पेलिंग होती है कॉन एन कॉन वैलिस वी ए एल ई -E एस सी ई -E, कॉन वैलिस ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है राइट चलो एक और वर्ड यहां पर देखिएगा ये रहा बताइए जरा हम्म कमॉन कमान कमॉन फास्ट क्या होता है इसकी स्पेलिंग देखते हैं किसको पता है कंफ्यूजिंग तो है ये आपको याद है वन वर्ड सब्सिट्यूशन में भी ये वर्ड आता है आपसे स्पेलिंग में पूछा जा सकता है एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड किसी में भी पूछा जा सकता है ये वर्ड द वर्ड इज फैरो कौन होता है एंशियंट इजिप्ट का रूलर रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट ठीक है रूलर ऑफ फैरो बोला जाता है ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर पी एच ए आर ए ओ एच आर ए ओ एच ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जरा फटाफट से आंसर देना क्या होता है सब लोग मुझे बताइए इसका आंसर नेक्स्ट वर्ड इज हियर चलो वेरी गुड सुरभि अभिषेक रजत बिल्कुल सही है ये वर्ड कितना पूछा जाता है आपसे स्पेलिंग में सबसे ज्यादा स्पेलिंग में पूछा जाता है वन वर्ड में भी वैसे पूछा जाता है एक वर्ड जितने वर्ड्स में आपको यहाँ पे करवा रही हूं ना आपको इन वर्ड्स पे फोकस रहना है स्पेलिंग का क्वेश्चन आपसे वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है वन वर्ड का स्पेलिंग में भी पूछा जा सकता है ठीक है लाइजन लाइसन होता क्या है वो रिलेशनशिप जो एक साथ काम करने वालों के अंदर हो बीच होती है है ना वो रिलेशनशिप हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप जो काम करने वालों के अंदर होती है दैट इज कॉल लाइजन और इसकी स्पेलिंग होती है एल आई ए आई एल आई ए आई एस ओ एन ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ठीक आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा एम्बेरिस देखिए जरा कौन दे पाएगा इंबेरिस इज दी टर्म चलिए वेरी गुड देखो जरा इंबेरिस इम्रास नहीं है इट्स ई एम बी ए आर ए डबल एस ई एम बी ए आर ए डबल एस एम्बेरस होता है ई एम बी ए आर ए डबल एस ठीक है दैट इज एम्बेरिस बट एक सेकेंड एक सेकेंड का इज डबल आर होता है एम्बेरस में येस में डबल आर होता है you are right. डबल डबल ए डबल एस होता है. में. है. में. ठीक ठीक? चलो. Next question आपके पास. ये रहा. Hypothesis. अच्छा खुद ढूंढिए इसमें. करेंगे तो आपको आंसर पता ही चल जाएगा सब लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमॉन जी. डबल आर होता है और डबल एस होता है एग्जैक्टली exactly. चलो हम्म hmm. ओके okay. आपसे इसमें पूछा क्या गया है सही की गलत इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा सारे लोग ठीक है कोर्टसी लिखा हुआ है कोर्टसी जैसा कोई वर्ड नहीं होता इट्स कोटसी कोटसी कर्टसी ठीक है कर्टसी की स्पेलिंग कौन बताएगा चलिए सी ओ यू आर सी ओ यू आर टी ई एस वाई ये होती है कर्सी की स्पेलिंग कर्सी ऑप्शन नंबर फोर जो मैनर्स विज कर् ठीक है चलो एक और वर्ड यहां पर आता है चिप ऑन योर शोल्डर ये कैसा ईडी है पता है बहुत ही कम लोगों को याद रहता है ये और एग्जामिनर का फेवरेट है चिप ऑन योर शोल्डर आंसर बताइए इट्स नॉट माई बर्थ डे बर्थडे हमारा नहीं है भाई दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन ऑल सिविल एग्जामिनेशन एस एस सी एग्जामिनेशन बताइए देखें डाउट तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख लिया करिए एक डाउट है ये लिखोगे फिर दोबारा कमेंट करोगे सीधे डाउट लिखा करिए चलो चिप ऑन योर शोल्डर चिप ऑन वन शोल्डर ये किसी से किसी को लेकर नफरत गुस्सा इसको बोला जाता है चिप ऑन वन शोल्डर नफरत या गुस्से का बोझ कंधे पे लेकर चलना दैट इज चिप ऑन योर शोल्डर ठीक है तो क्या हो जाएगा इनर फीलिंग ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट ये होती है नफरत गुस्से की जो फीलिंग है अंदर दैट इज कॉल्ड चिप ऑन वन शोल्डर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है सारे लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जो लोग बाद में आए हैं यार डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ठीक है चलो लेट्स होप दे समझ में आ जाएगा ब्यूरी देखो स्टेटमेंट्स वही है लेकिन पूछने का तरीका ईडियम्स वही है लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है और ये हर एक एग्जाम के पैटर्न पे लिए गए हैं कोई एनडीए में आया हुआ है कोई सी में आया हुआ है कोई एस एस सी सीजीएल टीयर टू में आया हुआ है कोई आपका टीयर वन में आया है कोई सी में आया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम और डिफरेंट डिफरेंट पूछने के तरीके ठीक है ईडियम सेम पूछने का तरीका अलग ब्रिदर्ट का मतलब क्या होता है अरे बोलते ना अरे मिट्टी पाओ मिट्टी डालो उस चीज पे मतलब पास्ट भूल जाओ दोस्ती कर लो है ना यही होता है बिरिदी पास्ट भूल जाना दोस्ती कर लेना तो आंसर क्या हो जाएगा पास्ट ऑप्शन नंबर फोर ठीक है चले आगे अगला सवाल क्या कहता है बर्न द मिड नाइट ऑयल इसका जरा मुझे बताओ सब लोग बर्न द मिड नाइट ऑयल बताइए जरा ये वो सिलेक्टेड इडियम्स है ना जो मतलब समझ लीजिए आप हर एग्जामिनेशन में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको मिलने ही मिलने हैं ठीक है बर्न द मिड नाइट ऑयल कैसे मैंने आप लोग को ये दिमाग में रखने को के लिए कहा था पुराने टाइम में क्या होता था वो वो आती थी ना डिब्बियां आती थी जिसके अंदर ऑयल होता था गांव वगैरह में जलाई जाती थी रोशनी करने के लिए तो अगर किसी इंसान को पढ़ना है या फिर काम करना है तो रोशनी वो रात में कैसे करेगा वो डिब्बी जलाकर उसका तेल जलाकर तो इफ यू आर बर्निंग द नाइट ऑयल मतलब आप रात में काम कर रहे हो डिब्बी जलाकर रात में काम कर रहा है रात में पढ़ाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा वर्क लेट इन ऑप्शन नंबर टू वर्किंग लेट इन दी नाइट आप सोल्यूट आप रोहित बहुत अच्छा स्टेटमेंट है अंजलि वेरी गुड शाबाश कुछ लोग यहाँ पे स्टेटमेंट भी बना रहे हैं वेरी वेरी गुड विकास शाबाश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वर्ड इज कुक बुक्स किताबों को पका देना देखो और बताओ झट से हमें इसका आंसर हाँ भाई रवि क्यों नहीं गए हैं हम भी गांव गए हैं गांव गए हैं बस गोवा नहीं गए हैं चलिए बताइए कुक दीप बुक्स का मतलब जल्दी जल्दी सब लोग अकाउंटिंग अच्छा अच्छा कुक दी बुक्स किताबों को कुक करना क्या होता है उनमें फेर बदल करना आपके जो बुक्स हैं मतलब जो अकाउंट्स हैं यहाँ पे बुक का रेफरेंस क्या है अकाउंट्स जो अकाउंट्स है उनमें हेरा फेरी करना फेर बदल करना हेरा फेरी करना फेर बदल करना कुक द बुक्स का मतलब इज हेरा फेरी ठीक है फेर बदल हेरा फेरी था था Clear? चले आगे। चलो, नेहा, दूसरों के स्टेटमेंट जरूर रीड करा करिए अगर नहीं बना पाते हो तो जो भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में स्टेटमेंट बना रहा है रीड जरूर करना चलो आप जरा अब वो अब स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग इसको क्या बोलते हैं लेट्स सी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुपया नाम अंडर स्कोर टेस्ट बुक ठीक है इसका जरा आंसर देना कौन बताएगा ब्रॉड स्ट्रिप एक बड़ी सी चौड़ी सी स्ट्रिप है किसी चीज की उसको आप क्या बोलते हो स्वेदिन बाइट या फिर नन ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है बच के रहना इससे सारे लोग बताइए आर यू श्योर कहीं नन ऑफ दी अब तो नहीं है हा चलो पट्टी चौड़ी सी पट्टी स्ट्रिप और एस टाइप का एरिया ये स्वेद कहलाता है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ब्रॉड स्ट्रिप और एरिया ऑफ समथिंग दैट इज स्वेद ठीक है सांगविन क्या हो, क्या होता है बींग ऑप्टेमिस्टिक बींग पॉजिटिव ठीक है बीइंग ऑप्टिमिस्टिक या फिर बीइंग पॉजिटिव ये सांग्विन कहलाता है और बायेंट का मतलब क्या होता है वो अब थ्रस्ट वो फोर्स जो किसी चीज को तैरने पे मजबूर कर दे वो बायेंट कहलाता है जो तैरने पे मजबूर कर रहा है वो बायेंट है क्लियर चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है यार सारे लोग अपनी एनर्जी क्यों लाख कर रहे हो हां बताइए यहां पे इतने डल से क्यों हो रहा है आप लोगों क्या सबका बफर कर रहा है क्या हाँ चलिए बताइए आंसर बर्न अ होल इन माय पॉकेट का मतलब क्या होता है लेट्स कम एवरी एवरीवन स्पेंड मनी अच्छा सोच कर देखो ना अगर पॉकेट में होल हो गया तो सारा पैसा गया गायब गिर जाएगा बस यही मतलब होता है इसका बर्न अ होल इन पॉकेट का मतलब सारा पैसा गायब मतलब सारा पैसा उड़ा दिया खर्च कर दिया दिस इज कॉल्ड बर्न अ होल इन पॉकेट आंसर क्या हो जाएगा स्पेंड मनी ना हां जी हां जी ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देगा इसका आंसर बताइए इन लॉन्ग रन इन अ लॉन्ग रन स्टेटमेंट यार कोशिश करा करो फ्रे आप फ्रे जरूर कर लिया करिए ठीक है बता रहे वाइफ निकाल लेती है पैसे सेंस तो बात तो वही हुई ना चलो इन अ लॉन्ग रन इवेंचुअली नो समथिंग थॉरली मीट विद अ कोल्ड रिसेप्शन टेक अ रेजोल्यूट स्टैंड इवेंचुअली लॉन्ग रन ठीक है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर कहां जा रहे हो बाकी ऑप्शन सारे गलत है चले आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा बताना सब लोग सेशन को लाइक करते चलो यार जिससे मुझे पता तो चले कि यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट्स हैं डोंट शो योर सेल्फ डल कम ऑन एवरी फिर देखना मेक बोथ हैंड्स मीट इसका मतलब क्या होता है इसको याद रखने का तरीका भी बहुत अच्छा है पहले इसको आप कोशिश करिए अच्छा मेक बोथ एंड्स मीट हिंदी में आपने सुना होगा दो वक्त की रोटी कमा रहा है बस बेचारा किसी तरह दो वक्त की रोटी कमाना मेक बोथ meet, दो वक्त की रोटी कमाना दो वक्त की रोटी कमाने का मतलब है कि बस इतना कमा रहा है कि बस उसका नॉर्मल जो बेसिक खर्चे हैं आटा दाल चावल ये उसका आ जा रहा है दिस इज कॉल्ड टू मेक बोथ एंडीट बेसिक खर्चे बस निपटा लेना किसी तरह सर्वाइव करना जीना सो so, क्या हो जाएगा जस्ट मनी थोड़ा पैसा जीने भर का राइट right? हां जी हां जी चलो अगला सवाल आपके पास ये रहा आप सोचिए देखिएगा पहले आपसे पूछ क्या रहा है बोझ देंटेंसेज मार्क द आंसर सेम मीनिंग एंड कैन बी यूज इन द सेम कॉन्टेक्ट अच्छा ऑल राइट right. तो आपको वो वर्ड चूज करना है जो इन दोनों को रिप्लेस कर सके बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखे जरा ग्रेट खुशी वेरी गुड रोहित बहुत अच्छा स्टेटमेंट है चलो अच्छा सब लोग बताइए स्नैप होना चाहिए अच्छा फटाफट से आंसर दो स्नैप्ड क्लिप्ड खुद सोचकर आंसर देना सारे लोग ही स्नैप दिए अच्छा अच्छा चलो जितने लोगों ने स्नैप आंसर दिया है आई एम सॉरी टू से बट आपका आंसर गलत है राइट आंसर इज क्लिप्ड पहला यहां पर क्लिप्ड का मतलब होता है टू कट शॉर्ट समथिंग किसी चीज को कट शॉर्ट कर देना कट शॉर्ट समथिंग इसके लिए भी क्लिप यूज होता है रॉब किसी से ठग कर पैसा ले लेना इसके लिए भी क्लिप्ड यूज होता है स्नैप इज नॉट द राइट आंसर इट्स क्लिप्ड ऑप्शन नंबर थ्री दोनों सेंस में क्लिप्ड यूज होता है हाँ जी ठीक है तो आई होप भेड़चाल नहीं करी है अपने दिमाग से आंसर दिया है अपने दिमाग से गलती भी करोगे ना तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा ठीक गॉट इट चले आगे बेहतरीन क्वेश्चन था ये अगला सवाल देखना इसका बताओ आंसर बेस्ट क्वेश्चन चलिए बताइए स्मॉल डॉट और डिसीजर मूवमेंट इसके लिए पॉइंट स्पेक स्केल या फिर स्टेज क्या यूज कर सकते हो चलिए सुजीत अभी तो बताया क्लिप्ड के दोनों मीनिंग अब देखो जरा क्या यूज हो सकता है यहां पर पॉइंट स्पेक स्केल स्टेज हम्म पॉइंट स्पेक स्पेक एक समझ लीजिए छोटा सा डॉट होता है कहीं पर उसको हम स्पेक बोलते हैं राइट right. जितने लोगों ने यहां पर पॉइंट बोला है योर आंसर इज एब्सोल्यूटली राइट द स्ट्रीट वॉज ऑल डार्क एक्सेप्ट फॉर अ पॉइंट ऑफ कलर स्मॉल डॉट को भी हम पॉइंट बोलते हैं ठीक है और किसी मुद्दे को डिसीजिव मूवमेंट को भी तो पॉइंट बोल सकते हो आई केम टू द पॉइंट

भेड़ पानी से बाहर चलो वेन ग्लोरी इज द टर्म कौन बताएगा इसका आंसर एकदम फुली चल रही है इसमें तो नया वर्ड लग रहा है ना नया वर्ड है तो कौन स्टेटमेंट फ्रेम करना है ठीक है चलिए वेन ग्लोरी ग्लोरी से आपको याद रखना है दिखावेबाजी ठीक है जो बहुत दिखावेबाजी करता है उसके लिए यूज होता है वेन ग्लोरी एक्सेसिव प्राइड बहुत घमंडी जो दिखावा करे एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ एक्सेसिव प्राइड घमंडी दिखावेबाज इंसान जो होता है उसके लिए वेन ग्लोरी टर्म यूज होता है ठीक है तो स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है टैरिनी कौन होता है ऑपरेसिव रूलर ठीक है माइट का मतलब भी होता है हिम्मत और बोस्टफुलनेस इज दिखावेबाजी ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ठीक है चलो कोई बात नहीं नए वर्ड में तो मार लो लेकिन आज के बाद याद रहना चाहिए वेन ग्लोरी को स्टेटमेंट में कैसे यूज कर पाओगे वेन ग्लोरी एक नाउन है नाउन की तरह यूज करना है इसको ठीक है इट्स अ नाउन, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्लेन टिप ये तो कॉमन वर्ड है गे हैप्पी मोनफुल या नॉइजी कौन देगा आंसर फटाफट से बताओ सारे प्लेन चेप प्लेन टेप जल्दी जल्दी से सब लोग आंसर दीजिए जरा फटाफट से हम्म चलो आंसर बताना सब लोग फटाफट से प्लेन टे हैप्पी मॉनफुल या फिर नॉइजी लोगों का कहना है मॉनफुल होना चाहिए लोगों का बिल्कुल सही है प्लेन का मतलब ही होता है सैड साउंडिंग ठीक है सैड साउंडिंग उदास साउंड करना इज प्लेन टैप्पी और इसका दो ये दोनों क्या हो गए ऑपोजिट हो गए मोनफुल इसका सिमिलर है नॉइजी का मतलब शोर शराबर वाले चीज दैट इज नॉइजी ठीक राइट right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पांचों वर्ड जो आपके लिखे हैं ये पांचों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स भी देख लेना सबकी क्योंकि स्पेलिंग्स भी इनकी पूछी जाती है आपसे ठीक है स्पेलिंग्स भी पूछ देख लेना सारे लोग ठीक है चलो लेट्स सी बेनी होना चाहिए अच्छा ओके okay, ओके okay. लोग कह रहे हैं बेनी और बिल्कुल सही है यार ये जो इंसान है ना आपने डेफिनेटली ऐसे लोग होते होंगे देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते ना दूसरों की चीजें हड़पने की कोशिश करते हैं बस इनकी नजरें दूसरों की चीजों पे होती है वही जो आपने सुना ही होगा द फेमस कोटेशन फैमिली में होते ना रिश्तेदार कुछ रिश्तेदारों की नजरें हमेशा दूसरों के उस पर होती हैं सुनी होंगी बहुत सी कहानियां तो बस वही है यही है कोविशिस दूसरों की चीजों पर नजर होना दूसरों की चीज हड़पने की कोशिश करना इसको बोलते हैं तो आप इसका पॉजिटिव वर्ड ये रहा पॉजिटिव वर्ड वो इंसान होता है जो अपनी चीजें भी देकर दूसरों की मदद कर ले है ना अपनी चीजें भी देकर बिल्कुल सही है बेनेवलेंट बोल सकते हो जेनरस बोल सकते हो ठीक right. है काइंड एंड हेल्पफुल दैट इज आप राइट एक वर्ड है एवारीश पैसे का भूखा एवारीशिस होता है ठीक है एक्विजिटिव कौन इंसान होता है समझ लीजिए चीजों को कलेक्ट करने के लिए जो मतलब बहुत है, चीजों को कलेक्ट करना उसको पसंद कर रहता है और मरसिनरी होता है वही पैसे का आदि पैसे का भूखा ये दोनों इसके सिनोनिम्स हो गए हैं और ये नॉर नौराठन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रिडंडेंट आंसर बताइए रिडंडेंट जल्दी से सिंगल रिक्वायर्ड रिपेंटेंट या फिर सरप्लस कौन देगा आंसर फटाफट से बताइए सेशन को लाइक करते चलिए और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं आप लोग को टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगी अभी कमेंट सेक्शन में डोंट वरी अभी आंसर पे फोकस करो सारे के सारे जल्दी से सरप्लस प्लस नहीं देखा है ये जितने भी सरप्लस वाले हैं डायरेक्शन तो देख लो यार डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है अप्रोप्रियट आंटन अप्रोप्रिएट आंटनिम लिखा हुआ है रिडंडेंट का मतलब है जो चीज एक्स्ट्रा है जिसकी अब जरूरत नहीं है है ना एक्स्ट्रा चीज जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज रिडंडेंट होती है फिर सरप्लस जितने लोग दे रहे हैं सरप्लस इसका सिनोनिम हो चुका है रिपेंटेंट का मतलब होता है रिग्रेट करना सॉरी फील करना है ना गलती फील करना सॉरी फील करना रिक्वायर्ड का मतलब जरूरी ये है इसका एंटोनिम रिडंडेंट का कोई इस्तेमाल नहीं है एक्स्ट्रा चीज है लेकिन रिक्वायर्ड जो चीज बहुत जरूरी है काम की है समझ में आया वर्ड नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीडीएफ उठा के रिवाइज करोगे तो वर्ड्स आने लग जाएंगे और यहाँ पे हर दिन सुबह नौ नौ से दस आओ जितने भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं वो तो यहां पर होते ही हैं साथ साथ में द हिंदू से आप और चीजें ग्रामर वगैरह भी सीखते हो ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप सी बताना आंसर diligent zealous या फिर neglectful कौन देगा आंसर फटाफट से बताओ सब लोग एससी डूस पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा मैंने देखे लिंक दे दिया है कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का ब्लू कलर से आपको मेरा नाम दिखेगा उसी के साथ एक अटैच लिंक दिखेगा दैट इज द लिंक टू माई टेलीग्राम ग्रुप ठीक है सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे ऐसी ड्यूएस वो इंसान होता है जो बहुत ध्यान से काम करता है है ना ध्यान और लगन के साथ काम करने वाले इंसान के लिए यूज होता है गाइस ऐसी ड्यूएस ठीक है ध्यान से काम करने वाले के लिए ये नाम ये यूज होता है अब देखना इसका हमको तो एंटोनिम बताना है ये तीनों वर्ड्स एस के ही सिनोनिम्स हैं ये जो चीजों को नजरअंदाज कर दे ठीक है right. active, diligent, zealous, zealous, full of energy. Diligent, जो जो मेहनत से काम करे और हमेशा रहे तत्पर रहे काम करने के लिए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सक्सेंट लेंदी कर्ट टर्स या फिर व्हाट्स द राइट आंसर पीपल जल्दी से बताओ अरे हाँ चाचा फेस टेन के लिए भी है परेशान क्यों होते हो हमने कहा ना कि ये सारी मुकेबलरी आपके सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए काम आएगी चलो आंसर देना शुरू करिए सब लोग इधर उधर ज्यादा ध्यान लगाने लगते हो आंसर कम देते हो चलो जरा अनन्या माम अंडर स्कोर बुक है टेलीग्राम का नाम अनन्या माम अंडर स्कोर बुक एम ए एम मैम क्या होता है सख्सिंग का मतलब Succinct का मतलब होता है किसी चीज को एकदम क्लियरली स्टेट करने कर देना ठीक है स्टेट इन अ क्लियर वे स्टेट इन शॉर्ट एंड क्लियर वे बहुत ही शॉर्ट में क्लियरली किसी चीज को बोलना कह देना ठीक है लेंदी का मतलब लेंदी तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया कर्ट और टर्स इन दोनों का मतलब होता है टेक्स्ट को या जो आपके डायलॉग्स उनको शॉर्ट में बोलना Often कर्ट का मतलब होता है रूड वे में ठीक है इन दोनों का ही मतलब है शॉर्ट में बोलना ऑफन इन a रूड वे ठीक है और इसका भी मतलब होता है चीजों वर्ड्स को बहुत क्लेवरली यूज करना वर्ड्स को क्लेवरली यूज करना और कम वर्ड्स यूज करना क्लेवरली यूजिंग वर्ड्स ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इज एस बाकी सारे वर्ड के ही सुनोनिम्स थे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए और बताइए आंसर ओके मेरे साथ द हिंदू पढ़ने के लिए आपके पास द हिंदू आए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ठीक है कोशिश करा करो वैसे ऑनलाइन एक्सेस करने की ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है नहीं भी कर पा रहे हो तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसी को पढ़ लीजिए है ना फायदा तो वो भी आपको देगा फटाफट से सारे आंसर करो यार 300 लोगों ने भी सेशन को लाइक नहीं किया सेशन अच्छा नहीं लग रहा है क्या आंट यू गाइज फाइंडिंग द सेशन इंपॉर्टेंट यूजफुल अगर लग रहा है तो मुझे भी तो बता दो सेशन को लाइक करके मुझे कैसे पता चलेगा कि यू आर फाइंडिंग द सेशन यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट हाँ चलिए एलिमनी होता है एग्जैक्टली exactly. वो अलाउेंस जो किसी वाइफ को दिया जाता है उसके हस्बैंड द्वारा वो क्या कहलाता है वो आलिमनी कहलाता है ये कौन सेरेमनी भी किसी ने बीच में बोला था क्या करते हो सेरेमनी कैसे होगा सेरेमनी क्या होता है कोई सेलिब्रेशन है ना वेडिंग सेरेमनी बर्थडे सेरेमनी कोई कोई सेलिब्रेशन को हम सेरेमनी बोलते हैं समझ में आया हाँ जी आंटी मनी क्या होता है कोई मुझे बताएगा कोई मीनिंग बताना चाहेगा आंटी मनी का हा आंटी मनी का मतलब होता क्या है आंटी मनी एक एलिमेंट है यार ठीक है और टेस्ट मनी का मतलब क्या होता है बताओ जरा सारे एक फॉर्मली रिटर्न स्टेटमेंट होता है किसी कोर्ट या किसी लॉ द्वारा है ना फॉर्मली रिटर्न स्टेटमेंट होता है टेस्ट मनी जी हां जी यस सचिन एलिमेंट है आंटी मनी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसका आंसर तो दो सारे के सारे वेरी पे लेंथ इन वन वर्ड बताना है वेरी पे लेंथ इन सैशेट कैजेंडा क्या रिवर्स या फिर कैजॉल बताइए फटाफट से सब लोग जल्दी जल्दी से कम ऑन एवरीवन कौन देना चाहेगा हम्म hmm? चलिए एक वर्ड यहां पे लिखा है कैशिट इसका मतलब होता है जो इंसान बहुत इसकी इज्जत हो जो जिसको सब पसंद करते हो रिस्पेक्टेड और एडमयर्ड ठीक है एडमयर्ड और रिस्पेक्टेड कैडेंजा गाइस समझ लीजिए एक म्यूजिकल स्टैंजा होता है है ना यू कैन से अ म्यूजिकल स्टैंजा कैडेंजा इज अ म्यूजिकल स्टैंजा आंसर आपका हो जाएगा राइट uh, आंसर is. Is right और ये समझ लीजिए और आंसर हो, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थ्री क्लियरली ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर एनी डाउट्स कोई शक परेशानी चिंता दुविधा चले आगे अगला सवाल आपके सामने ये रहा फटाफट से बताओ आज वर्ड्स कितने सही हैं लेकिन आज के वर्ड्स का अगर रिवीजन नहीं किया ना तो यार दिक्कत हो जाएगी आपका जो एग्जाम आने वाला होता है उसी के अकॉर्डिंग में आपको वोबलरी करवाना शुरू कर देती हूँ आप हर दिन कुछ नए वर्ड्स जरूर सीखोगे सेशन के थ्रू चलिए बताइए मल्टी अच्छा अच्छा एक्चुअली द राइट आंसर इज मल्टी फेसिटेड का मतलब जिसके बहुत सारे फेसेस हो बहुत सारे फेसेस हो या बहुत सारी साइड्स हो हैविंग मेनी फेसेस और मेनी साइड्स मल्टी वाइड आई का मतलब क्या होता है जहां से आपको बड़ा व्यू दिखे बड़ा व्यू दिखना इज वाइड आई ठीक है मेमोथ का मतलब भी बहुत बड़ा ह्यूज बहुत बड़ा और मल्टी कल्चरल का मतलब क्या होता है जहां पे बहुत सारी कल्चर्स बहुत सारे कल्चर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज को आप मल्टी कल्चरल बोलते हो बहुत से कल्चर्स बहुत से एथनिक ग्रुप्स जहां पर इन्वॉल्व हो ठीक है राइट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसका आंसर जरा देना सब लोग बताओ यूपी कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल में इंग्लिश आती है आई डोंट थिंक सो कहाँ यूपी कांस्टेबल में इंग्लिश आती है यार हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लासेस चल रही हैं सो so, अभी 11 बजे क्लास है और तो और गाइस जितने लोगों को यहां पर टॉपिक वाइज ग्रामर पढ़नी है बहुत लोग से लोग मुझसे बोल रहे थे मैम टॉपिक टॉपिक वाइज वाइज ग्रामर ग्रामर पढ़ाओ बजे पुलिस की क्लास में मैंने शुरू करी है और वो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर थोड़ी बदलती है तो 11 बजे जरूर से आ जाना जिसको भी टॉपिक वाइज ग्रामर पढ़नी है मुझसे चलो हैविंग एक्सट्रीमिस्ट इंथ्यूजियाजम फॉर रिलीजियस मैटर्स कट्टर बोलते हैं इसको हम क्या इंग्लिश में वर्ड आता है फैनाटिज्म बिल्कुल सही है का मतलब क्या होता है किसी चीज के बारे में डे ड्रीमिंग करना ठीक है डे ड्रीमिंग अबाउट समथिंग डे ड्रीमिंग करना रिट्रो का मतलब होता है पुराने टाइम जैसा है ना पुराना फैशन रीसेंट पास्ट का फैशन और एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है एग्नोस्टिक कोई ऐसा इंसान मतलब जो भगवान के यू कैन से एग्जिस्टेंस को लेकर कंफ्यूज है वो एग्नोस्टिक है कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ठीक है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यहां पर क्लियरली आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए वन हु इज मोर बिडली आंशियस अबाउट वन हेल्थ बहुत अच्छा है वन वर्ड सब्सिट्यूशन है जो उसको हमेशा लगता है कि वो बीमार है बीमार हो जाएगा मतलब बहुत कॉन्शियस रहता है अपनी हेल्थ को लेकर वो कौन कहलाता है जरा आंसर बताइएगा सारे लोग जल्दी जल्दी से लोग सिग्याशियस बोल रहे हैं कुछ लोग का मतलब होता है जिसकी जजमेंट मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है जजमेंट मेकिंग पावर जिसकी बहुत अच्छी होती है दिस पर्सन मेक गुड जजमेंट्स गुड जजमेंट्स लिंग्विस्ट कौन होता है सबको ही पता है लिंग्विस्ट जिसको फॉरन लैंग्वेजेस आती है वो लिंग्विस्ट है ठीक है फिर कौन होता है एक पेसिमिस्ट होता है जो निराशावादी है बचा क्या ऑप्शन नंबर वन वैलिटन ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ये वो इंसान होता है जो अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फियस ओवर कॉन्शियस रहता हो ठीक है राइट right? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए एक और वर्ड यहां पर आपके सामने पर्सन हु बिलीव इन द टोटल अबोल्यूशन ऑफ वॉर सब लोग बताइए अबोल्यूशन ऑफ वॉर लिखा है यहां पर आंसर फटाफट से दीजिए पैसेफिस्ट अच्छा पैसेफिस्ट इनोवेटर नेशनलिस्ट या फिर हिडोनिस्ट वेर राइट आंसर सबका आंसर चाहिए है मुझे यहां पर चलिए लेट्सी इनोवेटर नेशनलिस्ट हिडोनिस्ट पैसेफिस्ट जल्दी जल्दी बताइए अब साने की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए इनोवेटर कौन होता है जो किसी चीज़ का इनोवेशन करता है नई चीज का आविष्कार करता है नेशनलिस्ट कौन होता है है, जो नेशनलिज्म पे भरोसा करता राष्ट्रवाद पे भरोसा करता है और हेडोनिस्ट वो इंसान होता है जिसको लगता है यार एक ही तो जीवन है जी लो खुल के एकदम मतलब एंजॉय करो ये इंसान इसका जो लाइफ में मोटिव होता है ना वो प्लेजर लेना मजे लेना होता है ये पर्सन हेडोनिस्ट होता है कंसर्न टू प्लेजर्स मजे लेने में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और पैसिफिस्ट जो पीस चाहता है है ना ये इंसान पीस चाहता है लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक ऑप्शन नंबर फोर इज दी राइट आंसर क्लियरली चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जरा सब लोग इसका आंसर बताइए पर्सन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना बीच में अगर एक दो सेकेंड की बफरिंग होती है तो प्लीज मैनेज इट क्योंकि आप लोग को भी पता है ये जरूरी नहीं है कि बफरिंग मेरी तरफ से हो रही है क्योंकि मेरे तरफ मेरे सामने वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है ये बफरिंग आपके से हो रही है क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी ऐसा हो रहा है ना मेरी वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है मेरे सामने ही आपके कमेंट्स खुले हुए हैं चलिए बताइए वर्चुअस कौन होता है मॉरल वैल्यूज जिसके अंदर अच्छी खासी होती है ना पर्सन है Moral कौन होता है जो लोगों को सिंपेथी दे ठीक है लोगों को सिंपथी देने वाला स्लगिश कौन होता है बड़ा ही लेजी सा पर्सन होता है सारे वर्ड्स पता है तो जो नहीं पता वही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर है ना ऑप्शन नंबर फोर इज चलिए वेरी गुड यार सेशन को लाइक like करते चलो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को सेशन अच्छा भी लग रहा है क्लिक ऑन द लाइक बटन अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है अगला सवाल जरा देखेंगे नेक्स्ट वर्ड इज आप सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से बताओ आंसर सबका ही तो मीनिंग हम बता रहे हैं हा स्टेट पीसीएस कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है ये इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन होते हैं उनकी इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा सिलेबस से सेम है लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे तभी तो मैं यहाँ पे एक ही लेवल के वर्ड्स नहीं लाती हूँ कभी डिफिकल्ट मिलेंगे कभी इजी मिलेंगे आपको चलो जरा आंसर बताना सारे लोग होल्ड ट्रेडिशन वैल्यूज वेरी टाइटली ये इंसान बहुत ही कंजर्वेटिव होता है कंजर्वेटिव होता है घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं ना ट्रेडिशन पुरानी वैल्यूज को बहुत फॉलो करते हैं कंजर्वेटिव मॉडर्न इसका बिल्कुल उल्टा इगोइस्ट कौन होता है सेल्फिश पर्सन और अथॉरिटेरियन कौन होता है जो डोमिनेंट होता है लोगों पर राज जमाए है ना लोगों पर राज जमाने वाला अथॉरिटेरियन आंसर हो जाएगा सीधा सीधा कंजर्वेटिव ठीक है हां जी चलो अगला सवाल देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बिसाइड द मार्क ये आपका एक डियम है चलिए बताइए बिसाइड दी मार्क फटाफट से आंसर दो सारे बिसाइड दी मार्क बताइए जरा आंसर आ जाइए क्या हो जाएगा मतलब पॉइंट पे कोई चीज नहीं है बिसाइड दिमाग ये मार्क है मतलब ये आपका जो लेवल है पॉइंट है इससे भी परे है कोई सेंस नहीं बिल्कुल भी इरेलीवेंट सी चीज इलेवेंट सी चीज ऑप्शन नंबर फोर ठीक है चलिए अगला सवाल क्या कहता है इसका मुझे आंसर बताना डेड ब्रोक देखे कौन आंसर दे पाता है the word is dead broke. मैं ऊपर का इस टेलीग्राम का नाम भी लिख रही हूं आप में से जिसका लिंक काम नहीं कर रहा है वो ज्वाइन कर लेगा ठीक है अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम एज इट इज टाइप करोगे तो मेरा ग्रुप आपको मिल जाएगा चलिए डेड ब्रोक वीक होता है कि पुअर होता है ये ब्रोक वर्ड आपने सुना है ब्रोक। ब्रोक का मतलब वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है वो ब्रोक होता है ठीक है डेड ब्रोक समझ लो डेड वर्ड को इसी ने डेड वर्ड ने इसको इंटेंसिफाई कर दिया मतलब एकदम गरीब गरीब इंसान जिसके पास पैसे नहीं है वेरी पुअर बहुत गरीब डेड ब्रोक बाय द एंड ऑफ द मंथ वी ऑल आर डेड ब्रोक सॉर्ट ऑफ है ना हां जी ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो और मुझे बताओ इसका आंसर पेन शांत लाइकिंग ईगरनेस कीननेस कौन देगा आंसर फटाफट से देखो और आंसर दो जल्दी ओके okay. हाँ जी पार्टी देते टाइम तो वी ऑल आर डेड ब्रोक हमारे फ्रेंड्स हमसे पार्टी मांगे वी आर डेड ब्रोक है ना चलो अच्छा पेन शांत एक टर्म है बताइए जरा लाइकिंग ईगरनेस सोच समझ के आंसर देना जरा आपसे पूछा क्या गया है यहां पर नियरेस्ट मीनिंग चलिए यू कैन से लाइकिंग टूवर्ड समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग यू कैन से पेंशांत लाइकिंग इसका मतलब ही होता है लाइकिंग ईगरनेस का मतलब उत्सुकता होता है कुछ लोग ईगरनेस दे रहे हैं किसी चीज को चाहना नहीं उत्सुकता डिसेबिलिटी का मतलब और कीरनेस भी उत्सुकता होती है डिसेबिलिटी का मतलब होता है असक्षमता किसी काम को करने में असक्षम के लिए यूज होगा डिसबिल ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा शेफ बताइए जरा हैगल पाइलेज प्लंडर, पिल्फर व्हाट्स द राइट आंसर पीपल जल्दी जल्दी बताओ सब बताइए चलो 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 हैगल होना चाहिए अच्छा बहुत जो इंसान अच्छी तरीके से चीजों को हागल करके बार्गेन कर ले हागल शाफर इन दोनों का मतलब होता है मतलब ऐसा इंसान जो एकदम डट के बार्गेनिंग कर ले चीजों को बार्गेन कर ले उस पर बहस कर ले ये इंसान होता है हागल कर लेता है शाफर और हागल दोनों का मतलब सेम है शाफर इज हागल बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड अब मुझे आप लोग बताओगे इन दोनों वर्ड का मतलब इन तीनों वर्ड का इन तीनों वर्ड मैंने आप लोग को कराए हैं पाइलेज, इन तीनों का मतलब मुझे आप बताओगे क्या होता है राइट आंसर इस चलो जिसको भी इन तीनों में से किसी भी वर्ड का मीनिंग है राइट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन जेंडर डिमोट फोर से या फिर आंसर बताना शुरू कर दीजिए लेट सी ये सलोनी डिस्ट्रक्शन लूटपाट है ना चलिए इन इनजेंडर का मतलब क्या होता है डिमोट फॉर से एक्सपेक्टेड या फिर जनरेट वॉट्स द राइट आंसर जल्दी जल्दी जेनरेट होना चाहिए अच्छा अच्छा चलो इंजेंडर का मतलब होता है टू गिव राइज टू समथिंग, गिव राइज टू समथिंग किसी चीज को करना किसी चीज का होना इंजेंडर कहलाता है करना या होना ठीक है डिमोट का मतलब पता है क्या होता है किसी को पोजीशन से नीचे कर देना प्रमोट का उल्टा डिमोट प्रमोट का मतलब किसी की प्रमोशन वृद्धि लेवल या फिर पोजिशन में वृद्धि डिमोट इसका जस्ट उल्टा किसी के पोजिशन में नीचे आ जाना फॉर सेक का मतलब होता है रेनाउंस किसी चीज को त्याग देना अबैंडन कर देना, त्याग देना कर देना, ठीक है हाँ जी स्पेक्टेट स्पेक्टेटर्स आपने सुने हैं ना दर्शक तो स्पेक्टेट का मतलब वॉच समथिंग दर्शक बन के कुछ देखना और जनरेट का मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग तो यहाँ पे इंजेंडर का सिमिलर क्या हो जाएगा इंजेंडर का सिमिलर हो जाएगा जनरेट ऑप्शन नंबर फोर ठीक है चलो वेरी गुड वेरी गुड अगला सवाल आपके सामने आने ही वाला है इसका आंसर दीजिए स्टेंटोरियन कमॉन गाइस फास्ट स्टेंटोरियन लाउड बूमिंग रोरिंग जेंटल आंसर बताना सब लाउड बूमिंग रोरिंग या फिर जेंटल हे कमॉन कमोन कमॉन फास्ट सी रॉकस्टार पता है क्या किया करो मैंने हमेशा आपको ट्रिक बताई है सुबह सेशन आपका मैं इस टाइम क्यों लेती हूँ सेशन में सुबह सुबह लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह चीजें ना ज्यादा दिमाग में रहती है वो कैबरी टाइप की और मैं कहती हूं याद करने के लिए जो भी आप नोट कर रहे हो या फिर पी डी एफ उठा के रात में सोने से पहले रिवाइज किया करो इस चीज को हैबिट बना लो मेरे साथ सुबह वो कैबलरी पढ़नी है और रात में रिवाइज करके सोनी है ये साइकिल अगर आपने फॉलो कर ली है तो वो कैबलरी के आप मास्टर हो आपको कोई नहीं मतलब आपके नंबर काट सकता वो में ठीक है स्टेंटोरियन का मतलब क्या होता है लाउड एंड पावरफुल वॉइस ठीक है लाउड एंड पावरफुल वॉइस जैसे कि मेरी है ठीक है स्टेंटोरियन लाउड बूमिंग रोरिंग एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे आप तो इजीली है ना ये तीनों वर्ड्स देखो इसके सिनोनिम्स हैं जेंटल इसका एंटोनिम है ऑप्शन नंबर 4 ठीक है सब लोग चलिए अब जो मैं आपको सबसे पहले एक बार जितने लोग यहां पर हैं जिसको अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए फटाफट से क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टू द हिंदू एडिटोरियल लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगी इसका स्क्रीन ले लेना सारे लोग प्लीज टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ये आज का असाइनमेंट क्वेश्चन है और बाकी सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग भी बताने में देख रही हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ने अब आंसर देना शुरू कर दिया है सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड बहुत से स्टूडेंट्स अब मुझे आंसर देते हैं और सारे वर्ड्स का मीनिंग भी बताते हो सो वेल डन गाइस यहां पर जो सिंसियर स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं मुझे मैं हर दिन उन लोग के नाम देखती हूं ठीक है सो प्लीज मेक श्योर कि आप ऑफलाइन कमेंट्स में इसका आंसर देकर इनके मीनिंग्स मुझे जरूर से बताएं ठीक है चलो अब जो आज का हमारा हिंदू का टॉपिक है आज का हिंदू का टॉपिक है हमारी पंद्रहवीं राष्ट्रपति के ऊपर सबने न्यूज सुन ली होगी कि हमारी पंद्रहवी राष्ट्रपति कौन बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं हमारी फिफ्टींथ प्रेसिडेंट है ना समझ में आया चलिए तो अब इस द हिंदू एडिटोरियल में होता क्या है द हिंदू एडिटोरियल में हम क्या करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के वर्ड्स करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मतलब द हिंदू में बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते हैं मतलब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं लेकिन कुछ ही वर्ड्स होते हैं ना जो आपके एस आपके डिफेंस लेवल के होते हैं मैं वही वर्ड्स आपको स्पेशली यहां पर तीन चार कराती हूँ हर दिन ठीक है तो इनमें से सबसे पहला वर्ड पैसेज में या फिर द हिंदू में आई हुई वोकैबलरी में द फर्स्ट वर्ड इज बर्जन एक वर्ड है गाइस बर्जन ध्यान से देखना जरा सारे लोग क्या मतलब होता है बर्जन का देखिए सब बर्जन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपैंड करना किसी चीज को बढ़ाना ठीक है एक्सपैंड या बढ़ाने को हम बर्जन कहते हैं ठीक है एक्सपैंड या बढ़ाना इज बर्जन इट्स अ वर्ब वर्ब की तरह ही आप इसको स्टेटमेंट में यूज करिए वर्ब की तरह स्टेटमेंट में आप इसको यूज करना भोजन को ठीक है चलो नेक्स्ट यहां पर क्या है वर्ड इज बेन The word is ben, और बेन एक नाउन है ठीक है बेन इज अ नाउन जिसका मतलब क्या होती है व्यथा जिसको हम हिंदी में व्यथा बोलते हैं किसी चीज की ठीक है व्यथा के लिए बेन यूज किया जाता है स्काउच एंड इट्स ऑल्सो अउन इसको भी नाउन की तरह हम यूज करेंगे वेरी गुड राशु पेट्रोल रेट्स आर बर्जनिंग रैपिडली बर्जनिंग ठीक है किसकी तरह यूज करना है वर्ग की तरह यूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना एक वर्ड है इश्यू। एश्यू एस का मतलब होता है टू गिव अप समथिंग किसी चीज को त्याग देना गिव अप कर देना फोरसे कर देना रनाउंस कर देना ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स बन रहे हैं वेरी वेरी गुड ठीक है चलो अब क्या करना है अब अब असली पार्ट तो अब आया है। आपको क्या करना है दहिंदू का एडिटोरियल वाला हिस्सा हमने शुरू कर दिया है इसमें आप लोग को ढूंढनी है गलतियां तो स्टार्ट फाइंडिंग मिस्टेक्स एक से ज्यादा गलतियां हो सकती हैं ठीक है फाइंड एरर्स इसको रीड करिए पहले इसमें गलती ढूंढिए और गलती ढूंढने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पहले तो गलती और उसके बाद की इसमें गलती ये क्यों है सो स्टार्ट फाइंडिंग एरर्स पीपल कम ऑन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 30 सेकंड्स फॉर दिस पोर्शन चलिए शुरू हो जाइए लोग कह रहे हैं इट शुड बी लीड ए डी लीड आर यू श्योर देखें भाई इतने लोगों ने चीज अगर बोली है तो क्या ये चीज सही है वेरी गुड वेरी गुड शाबाश एग्जैक्टली शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ट्राइब तो लीड। लीड तो 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 मतलब से बिलोंग करती है अब उनका इलेक्शन अगर हो गया है एस प्रेसिडेंट तो अब ये चीज थोड़ा और ध्यान मतलब आकर्षित करेगी ध्यान थोड़ा सा ले जाएगी ट्राइब्स जो ट्राइबल पीपल हैं उनके हक के ऊपर उनकी राइट्स के लिए ठीक चलो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो ये है नाउ यू आर हैविंग अ टाइम ऑफ वन मिनट एक मिनट का टाइम है स्टेटमेंट को पढ़िए पूरा पैसेज को पढ़िए और इसमें बताइए कोई गलती है क्या ये अच्छा चलिए वही मैं सोचूं आज कोई आंसर क्यों नहीं मार्क हुआ है चलिए खैर आप गलती बताना शुरू करिए सब लोग जल्दी से <laughs> कोई बात नहीं आप मुझे बताइए रेस्ट अच्छा यहां पे सही है क्या जितने लोग यहाँ पर रेस्ट बोल रहे हैं फिर से भूल गए हमने नहीं दिखाया है कोई आंसर आपको आप पढ़ के गलती बताइए मुझे सब लोग <laughs> खुशी देखो यहां पर इतने खुश हो जाते हैं सारे यार हम क्या करें मतलब कुछ ना कुछ मेरे हाथ से जरूर होता है वही मैं आज सोच रही थी यार आज पूरे सेशन में मैंने कोई आंसर रिवील नहीं किया आई वॉज सो प्राउड ऑफ मी बट लेकिन फिर खैर कोई बात नहीं चलो देख कर आंसर बताइए आप ही लोग कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हो ना मेरे ऊपर हमको लग रहा है ऐसा पता नहीं क्यों मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक चल रहा है यहां पर हम यहां पर इंतजार कर रहे थे कि आप लोग हमको सारी यहां पर गलतियां बताओगे लेकिन आप लोग दांत दिखाने में इतना मगन हो कि आप लोगों ने सारी गलतियां ढूंढी ही नहीं तो पहली चीज नुकसान आप लोग ने अपना कर लिया है यहां पर क्योंकि आपने पढ़ के गलतियां ढूंढी ही नहीं कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने मुझे दोनों गलतियां सही बताई दो गलती थी आज पहली चीज सेकंड क्या है सेकंड एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है जिसके पहले दा लगता है पहली चीज ये किसी ने मुझे नहीं बताई नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट तो सेकेंड के पहले पहली चीज दा लगेगा दूसरी चीज हाथ के बाद की थर्ड फॉर्म आती है है ना रेस्ड रेज raise का होता है हमको यहां पे राइजन चाहिए क्योंकि हमको राइज का थर्ड फॉर्म चाहिए है। ठीक है वी नीडेड द थर्ड फॉर्म ऑफ राइज इसलिए यहां पे राइजन होगा रेज का थर्ड फॉर्म रेज होता है राइस का थर्ड फॉर्म राइजन होता है हमको राइस का थर्ड फॉर्म ये दोनों मिस्टेक्स है यहां पे द सेकेंड होना चाहिए था तो बताओ भाई इतने अच्छे पैसेज में दोनों गलतियां जहां पर मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट करी थी बस पूरा टाइम ही 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 करने में ही निकाल देते हो यार चलो देखा कैसा लगा मेरा मजाक मैम ने गलती रिवील कर दी और यही आंसर है और हमने कुछ नहीं देखा आया मजा चलो देखा जल्दबाजी का नतीजा चलिए अच्छा इसको मैं वो तो कर दू द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू आज इंडिया प्रेसिडेंट रिच इन सिम्बॉलिज्म प्रेसिडेंट तो तो एक women को बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट मतलब है है, तो जो हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया का उसपे पोजिशन दे दी गई है इट्स सिंबोलिज्म इन द सेवेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस मिस मुर्मूज बिकम्स द सेकेंड वेमेन टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन पचहत्तरवा साल है ये इंडिया की इंडिपेंडेंस का और जो मिस मुर्मू है वो दूसरी वेमेन है प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑक्यूपाई किया है पहली कौन थी प्रतिभा पाटिल ठीक है आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी टू डू सो और ट्राइबल किसी ट्राइबल कम्युनिटी की पहली मेंबर है वो ठीक है हर मेंबरशिप ऑफ द संथल ट्राइब इज इन फोकस आपसे मतलब जीएस वगैरह में मुझे लगता है जीए में पूछ सकता है कि वो किस ट्राइब की है सो so, संथल ट्राइब की है अब ये चीज भी फोकस में है ये ट्राइब फोकस में आ गई है शी हैज रिजन थ्रू द द इन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में रैंक बाय रैंक उनकी बढ़ोतरी हुई है ठीक है एंड माइंड ऑफ हर ओन ड्यूरिंग हर स्टेंट एज गवर्नर ऑफ झारखंड झारखंड की गवर्नर रही है और सिर्फ अपने दिमाग से उन्होंने काम किया है अपना सुना है ठीक है माइंड ऑफ हर ओन ठीक है चलो हर इलेक्शन ऑफ द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ द बॉडीज इन दो ऐसे लोग थे जो ट्राइब से बिलोंग करते थे जिनको लेजिस्लेटिव बॉडी में चूज किया गया था उसके बाद ये एक सौ एक साल बाद हुआ है कि कोई ट्राइबल पर्सन को इंडिया में ऊंचे औहदे पे यहां पर इलेक्ट किया गया है ठीक है समझ में आया तो ये था दोस्तों आज का पैसेज आई होप यू ऑल लाइक दट ट्रिक भी आई होप आप लोग को पता चली होगी अच्छी लगी होगी सो so ये था आज का हमारा पूरा पैसेज कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पूरा रीड कर लीजिए ठीक है संथल का कुछ मीनिंग नहीं होता सुधा संथल एक ट्राइब का नाम है संथल ट्राइब लिखा हुआ है ना संथल ट्राइब का नाम है जिससे बिलोंग करती हैं हमारी राष्ट्रपति ठीक है तो चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन सेशन को जरूर लाइक करिएगा नेक्स्ट मेरी क्लास 11 बजे है दोस्तों 11 बजे जो क्लास होगी उसमें हम टॉपिक वाइज ग्रामर पढ़ रहे हैं अब 11 ए एम की डेली पुलिस के नाम से ये क्लास है टॉपिक वाइज ग्रामर स्टार्ट करी है एक एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो जरूर आना है इस क्लास में आप लोगों को ठीक है पीडीएफ यहां पर मिलेगा अनन्या मैम टेक्स्ट बुक सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पर मेरी इसी ग्रुप पे मिलता है दिस इज माय टेलीग्राम फैमिली दूसरी चीज दोस्तों आपके पास अगर टेक्स्ट बुक पास नहीं है मतलब मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि चलिए अब तक आपने जो गलती करी है अब मत करना मेरे पास भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं बहुत शार्प स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं मतलब आई वुड से चलो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होना इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैम निकल जाएगा ऐसे ही पेपर उन्होंने अपने सालों वेस्ट कर दिए हैं बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर देकर और सलेक्शन नहीं होता है तो ये गलती आप अपने सालों क्यों वेस्ट करो तीन चार साल वेस्ट कर दिए चौथे साल में समझ में आ रहा है यार टेस्ट दे देना चाहिए और चौथे साल में एग्जाम निकल रहा है वो चार साल सोचो आपने कितना अर्न कर लिया होता आपका कितने प्रमोशन हो चुके होते इसलिए अभी से आज से मॉक टेस्ट देना शुरू करो और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन से ले लो ठीक है आपकी सिलेक्शन की गारंटी लेता है टेस्ट बुक पास क्योंकि इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं फाइव फिट फिफ्टी से ज्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसके अंदर है ऑल यू हैव टू डू इज यूज वन कूपोन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड दैट कुपोन कोड इज वॉट ए एन पास ये कोड यूज करोगे ना आपको फोर नाइन नाइन वाला जो एक महीने का पास है ना उसमें आपको पता है क्या मिल जाएगा उसमें आपको मिल जाएंगे वो थ्री सेवेंटी फाइव का मिल जाएगा और जो तीन साल का पास है सिक्स नाइन नाइन का वो आपको मिल जाएगा जस्ट इन रुपीज फाइव ट्वेंटी फाइव कोड किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको दिखा देती हूं जस्ट अ सेकेंड मेरा कोड आप यूज कर सकते हो किस तरीके से ये आपका मेर, मतलब मेरी वीडियो चल रही है ठीक है वीडियो के नीचे आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो पहला लिंक है फर्स्ट लिंक आपको क्लिक करना है पहला लिंक क्लिक करके आप बुक पास के पेज टेक्सबुक पहुंच जाओगे इस पेज को ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा इसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं पांच से ज्यादा एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलते हैं चौवालीस हजार मॉक टेस्ट बारह हजार प्रीवियस ईयर पेपर ये सब आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर होंगे ठीक है सात दिन का एक महीने का चौदह सो इट्स एन ऑफर ये आपको एक साल की जगह चौदह महीने का टेक्सट बुक पास मिल रहा है मतलब कि दो महीने पर फ्री मिल रहा है आपको सो गाइस कोशिश करनी है कि आज इसका फायदा जरूर से उठा लेना है चौदह महीने का टेक्स्ट बुक पास आपको फोर नाइन नाइन का मिल रहा है जो कि एक साल का होता है और दो साल का सिक्स नाइन नाइन का लेके अभी आप मेरे स्टूडेंट हो तो नीचे अप्लाई कूपन दिख रहा है ना ये इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे कोड क्या डालना है ए पास ए एन एस पी पी ए डबल एस ये कोड देख लीजिए ए एन एस पास देखा अप्लाई कर दो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे सिक्स नाइन नाइन वाला हो चुका है फाइव ट्वेंटी फाइव और ये सिर्फ थ्री सेवेंटी फाइव का चौदह महीने का थ्री सेवेंटी फाइव का मतलब दिस इज द बेस्ट डील यू कैन ग्रैब ठीक है तो इसको क्लिक करिएगा नीचे आके बाय पे जो भी आपको सूटेबल लगे फोन नंबर डाल के लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद पेमेंट मेथड चूज करके पेमेंट कर देना है आप पास आपका है पास लेकर हर दिन मॉक टेस्ट जरूर देना पास लेकर रखने से सिलेक्शन नहीं होता है मैं फिर से कह रही हूं मॉक टेस्ट दीजिए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे आप पोस्ट कर देना टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप के ऊपर मुझे टैग करके जिससे कि मैं आपकी प्रोग्रेस चेक कर पाऊँ और जिनकी प्रोग्रेस मैं देखूंगी उनको मैं पर्सनली भी सजेशन दूंगी ठीक है चलिए गाइस और एक बहुत खास चीज है टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग लॉन्च करी है टेक्स्ट बुक ने सुपर कोचिंग इज द चीपेस्ट कोचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक जो आपको मिल सकती है ठीक है सबसे चीप कोचिंग है टेक्स्ट बुक की सबके लिए अफोर्डेबल है हर एक मतलब आपको इसमें सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्सेस मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस होंगी आपको मॉक्स वीडियो कोर्सेज सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा जस्ट रुपीज थ्री 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 पर मंथ इतनी सस्ती कोचिंग है कोई हजारों और लाखों रुपए आपको नहीं देने हैं सिर्फ तीन रुपए की फीस है एक महीने की इस पे भी आपको 20% परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड यूज करके तो एन ट्वेंटी कोचिंग्स के लिए है, कोई भी सुपर कोचिंग लेनी है ये कोड आपको बीस का डिस्काउंट दे देगा आप टेस्टबुक बुक वेबसाइट विजिट कर सकते हो सुपर कोचिंग्स के लिए ठीक है नई रॉक ये किताब अच्छी है जो आप कर रहे हैं सो गाइज टेक केयर मिलते हैं आपसे ग्यारह बजे टॉपिक वाइज ग्रामर की क्लास में सो टेक केयर बाय बाय हैव अ ग्रेट डे सी यू कीप लर्निंग